और प्रिय श्रोताओं, ये बात की समय की कि चार पणिहारी कुएं ऊपर पानी भरने के लिए चलती हैं और अपने अपने पतियों के बारे में चर्चा करती हैं कि बहना तेरा पति कैसा है, तेरा पति कैसा है। तो किस तरह से एक बात के द्वारा कवि ने क्या लिखा भला, हेर कर के हार श्रृंगार नार वे और अपन घट कानी चार चली। कर के हार श्रृंगार नार वे पर घट कानी चार चली। बाजी पायल रकर जी घायल वनना की तलवार चली। और कर के हार श्रृंगार नार वे Oh!
बनी ये पति पल सत्य का जतिया ऐसी अमीरी ये छुटगी सारी और नहीं बागता मेरा जिया खावन पीवे आसे ना पले बैठा रे से घरा पिया गंद चक्कर में ये माड़ा हो जा पहले जी सारो से लिया रसवती देखे लाग्या था ये हो बेकार सदी बाजी पायल कर की घायल नैना की तलवार चली कर के हार श्रृंगार नार वे बनगट कानी चार सदी बाजी पायल कर की घायल नैना की तलवार चली बाजी पायल कर की घायल नैना की तलवार ओ लेखक महोदय ने बहुत विशेष बात कही कि इन गावणियों के साथ इनकी घराड़ी कैसे रहती है, इनका आपस में कैसा तालमेल है, तीसरे से चौथी कली में क्या कहा भला। और आखिरी कली में लेखक महोदय ने बहुत सोच विचार करके चौथी कली में इन गावणियों के बारे में कि इन गावणियों के साथ में अपनी पत्नियों के साथ में इनका क्या व्यवहार है और किस तरह से आखिरी कली में क्या कहा। Peace.